उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर में सरकारी आयुर्विज्ञान संस्थान में सुविधाओं का किया निरीक्षण। कहा, वैक्सीन की पहली खुराक का 95% और दूसरी खुराक का 62% लक्ष्य हासिल किया जा चुका है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में भी 23,75,00,000 वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। नेशनल एवरेज से उत्तर प्रदेश वर्तमान में एक अच्छी स्थिति में है। हमने प्रदेश के अंदर फर्स्ट डोज 95% से अधिक लोगों को उपलब्ध करवा दिया है और सेकेंड डोज 62% लोगों को उपलब्ध करा दिया है। 15 से 17 आयु वर्ग के प्रदेश में 1,40,00,000 जो डोजेस दी जानी हैं उनमें से हम लोगों ने 62,83,000 डोजेज उपलब्ध करा दी हैं और प्रिकॉशन डोज भी हम लोग ने अब तक 5,29,000 लोगों को प्रदेश में उपलब्ध करवाया है, जिसमें 60 वर्ष से ऊपर के किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित जो सीनियर सिटीजन हैं, हेल्थ वर्कर हैं, उन सभी लोगों को ये प्रिकॉशन डोज दी जा रही है। उनमें हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 5,29,000 लोगों को ये डोजेस अब तक उपलब्ध करवाई हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में हुई शामिल। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अपर्णा को दिलाई सदस्यता। मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर की तारीफ और कहा, वो हमेशा प्रधानमंत्री की नीतियों और विचारधाराओं से है प्रभावित। राष्ट्रवाद उनके लिए प्रमुख है और इसी के चलते उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। तंत्र है, हर आदमी अपनी स्वच्छंदता से, अपनी स्वतंत्रता से, अपनी जो विचारधारा है उससे जुड़ने का सबको अधिकार है। और मेरा मानना ये है कि अगर जो इस देश को हमें बचाना है तो हमें राष्ट्रवाद के साथ चलना है और भाजपा हमेशा से राष्ट्रवादी पार्टी रही है। इसके चिंतन में, इसके मूल में संस्कारों का, धर्म का बहुत संरक्षण रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी रिश्तेदार अपर्णा यादव के भाजपा में शामिल होने पर दिया बयान। कहा, समाजवादी पार्टी की विचारधारा का विस्तार हो रहा है, नेताजी ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। आपको लगता है नेताजी का आशीर्वाद होगा इस कदम के पीछे? नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की, नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की। समाजवादी पार्टी में शामिल हुए मुहर्रम अली की मुश्किलें नहीं हो रही हैं कम। सहारनपुर दंगों पर उन्होंने कहा कि अगर कोई दंगों के दौरान मेरी मौजूदगी साबित करता है तो वो अपना गला काट लेंगे और चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। 20 मुकदमों की लिस्ट दे दी, जबकि कुल मेरे खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल हुई थी वो 8-9 मुकदमे थे और मार्च 84 और कोई 100 और कोई 100 कुछ बतला रहे और उनमें भी डिसाइड हो गए मुकदमे, कुछ में बयान हो गए और इसके अलावा मेरे पे एक भी मुकदमा नहीं, कोई हो तो बतावे। और आज मैंने उस पर देखा मोबाइल पे तो 10 मुकदमे और दिखलाए मैंने उन सब की, वो तो जब 5-6 मुकदमे हैं वो उसी वक्त हमारे पक्ष में तय हो गए थे, जब वो तय हो गए तो खत्म हो गए। उसकी मैंने ओरिजिनल कॉपी जो कोर्ट से निकलवा रखी वो कॉपी भी मैंने भिजवाई थाने पे, लो भाई आप ये भी देख लो, हमारे पे कोई मुकदमा विचाराधीन नहीं है अलावा इसके झगड़े के। और ये भी झूठे हैं, अगर कोई एक आदमी, उस वक्त भी मैंने कहा था गुरुद्वारे साहब के अंदर खड़े होकर कहा था अधिकारियों को भी, अगर कोई एक आदमी ये कह दे, हम पे इल्जाम ही तो है कि साहब मैंने किसी समाज के किसी आदमी को गाली दी या मैं वहां था, ये साबित कर दे तो अपना गला अपने हाथ से काट लूंगा। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया। टिकैत ने कहा, किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करेंगे, जिसको जहां वोट देना है वो वोट दे, ये उनका अधिकार है। कोविड का और इलेक्शन का दौर चल रहा तो उसमें ज्यादा चर्चा
नहीं हुई इलेक्शन पे भी, संगठन पर चर्चा हुई कि संगठन को मजबूत करो, और अगर संगठन देश में मजबूत होगा तो सरकारें सुनेंगी, सरकारें वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, अपनी बात अधिकारियों के सामने रखो, अपनी बात सरकार के सामने रखो, लिखत पढ़त में दो, ये सारी चीज़ें हुई। देखो आंदोलन से ये हुआ है कि सारी पॉलिटिकल पार्टी आज किसान का नाम लेना शुरू करा है, ये आंदोलन की बड़ी जीत है, और लोग अपने सिस्टम से जहाँ ये चाहें वहाँ वोटिंग का कर सकते हैं। हम किसी का इंडिविजुअल किसी का सपोर्ट नहीं करते, इंडिविजुअल आप सबको छोड़ना है कि जिसकी जो इच्छा हो जहाँ जो वो है वो कर लगा, ये सब जानते हैं कि इनको क्या करना, 800 रुपए में धान बेच के ये वोट किसको देना चाहते हैं ये सब पता है। आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव के लिए अपने सीएम पद का चेहरा किया घोषित। अमित पालेकर को पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में किया गया घोषित। अमित पालेकर पेशे से वकील हैं और भंडारी समुदाय से आते हैं। मुझे आज आम आदमी पार्टी की तरफ से अमित पालेकर जी को आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा ऐलान करते हुए बेहद खुशी हो रही है। इन्होंने टू मिनट्स ये पढ़े लिखे शख्स हैं, इन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है, गोवा का बच्चा बच्चा इनको जानता है, खासकर अभी फिलहाल में इन्होंने जो कोरोना के वक्त बहुत योगदान दिया, लोगों की बहुत सेवा की, हर जाति हर धर्म के लोगों की सेवा की। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में दो संदिग्ध बैग मिलने से मचा हड़कंप। मौके पहुंची पुलिस ने दोनों बैगों को लिया कब्जे में, वहीं बम निरोधक दस्ते ने लावारिस बैगों की जांच। भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड 19 के 2,82,970 नए मामले दर्ज, वहीं 1,88,157 मरीज हुए ठीक, 441 मरीजों ने गंवाई जान, वहीं देश में ओमिक्रॉन का आंकड़ा 8,961 के पार। सैमसंग ने अपना नया फोन गैलेक्सी A53 बाजार में उतारा। ये 5G तकनीक से लैस है। बड़ी बात यह है कि इसे 3C द्वारा प्रमाणित किया गया है और इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की सुविधा भी मिलेगी। इसी के साथ इस वक्त की टॉप 10 खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया पब्लिक खबर के साथ।